आज हम इकोलॉजी यूनिट के अंतर्गत चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जीव और समष्टियां, जिसके अंतर्गत हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम और बायोम्स, यानी कि बृहद अणु, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, जीव समष्टियां, समुदाय, पारितंत्र और जीवों में आते हैं। देखिए, इकोलॉजी की बात करते हैं तो इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट। कहने का मतलब ये है कि पारिस्थितिकी की एक ऐसा विषय है, यानी कि पारिस्थितिकी एक ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जीवी या भौतिक, यानी कि अजीवी और एबायोटिक जिसको हम भौतिक बोल रहे हैं, पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवी संगठन के चार स्तरों से संबंधित है, जीव समष्टियाँ, समुदाय और जीवों, यानी कि जो चार लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसके अंतर्गत आता है ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज और बायोम्स। हिंदी में देखते हैं तो इसमें जीव समष्टियाँ, समुदाय, जीवों आते हैं, ठीक है। यानी कि जीव और समष्टियाँ यानी कि पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज यानी कि समुदाय और बायोम्स यानी कि जीवों आते हैं। तो फिर हम देख लेते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट क्या है। देखिए, इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिजमिक लेवल्स इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट आल्सो रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि जैविक स्तर पर, यानी कि जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से कायिकीय पारिस्थितिकी है, यानी कि कायिकीय पारिस्थितिकी का मतलब हो गया फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है, जिसमें विभिन्न जीव न केवल जीवित रहने बल्कि जनन के संदर्भ में अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, यानी कि नॉट ओनली फॉर द सर्वाइवल बट आल्सो रिप्रोडक्शन, यानी कि वो पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, ना कि केवल जीवित रहने के लिए बल्कि जनन के संदर्भ में अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी ये मूल रूप से कायिकीय पारिस्थितिकी है, यानी कि हमने बताया था फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें बात यह है कि जैसे कि यू मे हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेज, जैसे कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट्स अराउंड द सन, यानी रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट्स अराउंड द सन और द टिल्ट ऑफ एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन्स। These variation together with annual variation in precipitation, remember precipitation includes both rain and snow, account for the formation of major biomes, desert, rain forest and tundra। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन और इसके अक्ष का झुकाव, तापमान की तीव्रता और अवधि किस प्रकार वार्षिक परिवर्तनों का कारण बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्न ऋतुएं बनते हैं। ये परिवर्तन और वर्षण मिलकर प्रमुख जीवों का निर्माण करते हैं, जैसे मरुस्थल, वर्षा और टुंड्रा, ठीक है। यानी कि वर्षा, डेजर्ट, रेगिस्तान, रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा, ये मरुस्थल, वर्षावन और टुंड्रा इसमें शामिल हैं। प्रत्येक जीवों के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवेशों में व्यापक विविधता है। भारत के प्रमुख जीवों जो दिखाए गए हैं
पृथ्वी ग्रह पर जीवन न केवल थोड़े से अनुकूल आवासों में ही है बल्कि चरम और कठोर आवासों में भी है, जैसे झुलसते राजस्थानी मरुस्थल, यानी कि झुलसते राजस्थानी मरुस्थल, यानी कि झुलसते राजस्थानी मरुस्थल, यानी कि स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, परपेचुअली रैन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट, यानी कि झुलसते राजस्थान मरुस्थल, निरंतर वर्षा से भीगे मेघालय के वन, गहरे महासागर की खाइयाँ, यानी कि हाई माउंटेन, यानी कि जो डीप ओशियन ट्रेंचेस और टोरेंशियल स्ट्रीम्स, निरंतर यानी कि गहरे महासागर की घाइयाँ और वेगवतीय सरिताएँ, यानी कि टोरेस्टियल स्ट्रीम्स और पर फिर इसके बाद परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन्स, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों की स्थायी तुषार भूमि, यानी ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनकी स्थायी तुषार भूमि, ऊंचे पर्वत शिखर, उबलते हुए झरने, गर्म झरने और दुर्गंधयुक्त कंपोस्ट गड्ढे, यानी कि कंपोस्ट गर्त आदि कुछ नाम है। यहाँ तक कि हमारी आंख भी सूक्ष्म जीवों की हजारों जातियों का बेजोड़ आवास है। यानी कि जो लाइफ एडजस्ट करती है नॉट ओनली अर्थ बट लाइफ एडजस्ट जस्ट इन फ्यू फेवरेबल हैबिटेट बट इवन एक्सट्रीम और हार्ड हैबिटेट में भी लाइफ सर्वाइव कर रही है, जैसे कि स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, परपेचुअली रैन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट, जैसा ये भी हमने बताया था, डीप ओशियन ट्रेंचेस, टोरेस्टियल स्ट्रीम्स, परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन्स, हाई माउंटेन टॉप्स, बॉयलिंग थर्मल स्प्रिंग्स एंड स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स, द नेम ऑफ इवन अवर इंटेस्टाइन इज ए यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि हमारी जो आंत है उसमें भी सूक्ष्म जीवों की हजारों जातियों का बेजोड़ आवास पाया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी जो हेडिंग थी ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि कहेंगे इसको हम कि जीव और इसका पर्यावरण, यानी कि ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रमुख अजैविक कारक कौन कौन से हैं, यानी कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, और चैनल में पहली बार हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।